मी डॉक्टर कादरी, मी कादरी हॉस्पिटलमध्ये कन्सल्टंट डॉक्टरिक सर्जन आहे. आमच्या कादरी हॉस्पिटलमध्ये सर्व प्रकारचे ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन होतात. आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है. सोलापुर शहर व ज़िले में मात्र 6 ही महीनों में 366 एक्सीडेंट, 391 लोगों की मौत, 432 लोग गंभीर रूप से घायल. दरअसल महाराष्ट्र राज्य के सोलापुर शहर व ज़िले में सड़कें बनने के बाद से वाहनों की रफ्तार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो दूसरी ओर एक्सीडेंट के कारण कईयों ने अपनों को खो दिया है. क्योंकि पिछले साल के मुकाबले इस साल के मात्र 6 ही महीनों में 366 एक्सीडेंट हुए हैं, जिनमें 391 लोगों की जान जा चुकी है, तो 400 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. इस साल जनवरी से जून महीने में सोलापुर शहर में ही 40 एक्सीडेंट ऐसे हुए हैं, जिनमें 43 लोगों की जान चली गई है, तो सोलापुर ग्रामीण में मात्र 6 ही महीनों में 326 एक्सीडेंट हुए हैं और 348 लोगों की जान चली गई है. राज्य भर में हो रहे एक्सीडेंट में सोलापुर हमेशा टॉप 5 में गिना जा रहा है. सोलापुर के सांसद श्री जय सिद्धेश्वर महाराज की अध्यक्षता में रास्ता सुरक्षा समिति को लेकर बैठक ली जाती है, तो सोलापुर जिलाधिकारी के अध्यक्षता में स्वतंत्र रास्ता सुरक्षा समिति की बैठक अधिकारियों के साथ ली जाती है. और वहीं एक्सीडेंट कम करने को लेकर ट्रैफिक पुलिस विभाग की ओर से भी कड़ी कार्रवाई की जाती है. और तो और आरटीओ विभाग भी गाड़ियों की फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस को लेकर काफी सख्ती से कार्रवाई वो बैठक लेते आ रही है. लेकिन इन सब के बावजूद एक्सीडेंट कम होने का नाम नहीं ले रहे, बल्कि हर दिन बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. अगर इसी प्रकार से आंकड़े सामने आते रहे तो हर दिन 2 की मौत के बजाय हर दिन ये आंकड़ा बढ़ न जाए. सौ बात की एक बात तो साफ है कि जहां प्रशासन तो अपना काम कर रहा है, लेकिन नागरिक कितने जागरूक हैं इस पर भी हमें सोचना चाहिए. क्योंकि आम नागरिक ट्रैफिक और आरटीओ के नियमों का कितना पालन करते हैं ये हम सब जानते हैं. सोलापुर में हो रहे एक्सीडेंट को कैसे कम किया जा सकता है, इसको लेकर हमारे कमेंट सेक्शन में सुझाव दें. ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल. जय हिंद.